हेलो दोस्तों, जैसे कि ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम डस्ट डस्ट लग रहा है। हम पोछने के बाद भी इतना डस्ट लग रहा है। मॉर्निंग में गाड़ी को पोछे हैं सूखा कपड़ा से, फिर भी इतना डस्ट लग रहा है डैशबोर्ड पे, है ना, देख सकते हैं। तो इसको जो है बिल्कुल ब्लैक और शाइन हम कैसे करेंगे वो आज हम दिखाने वाले हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। इसके लिए सर आपको जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिल्कुल न्यू लुक जैसा लाने के लिए। जैसे कि हम बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं कि डैशबोर्ड एक पॉलिश आता है 3-1 शाइन, कोई भी ले सकते हैं आप। डैशबोर्ड पॉलिश वर्क करेगा ही, है ना। डैशबोर्ड पॉलिश आप बोलोगे वो ले लेना है उसको। उसके बाद जैसे कि हम खोलते हैं और इस तरीके से आपको जो है मार लेना है, जैसे कि हम मारेंगे अभी डैशबोर्ड पर, अब बिल्कुल साइन आ जाएगा जैसे कि देख सकते हैं। हम पूरे अच्छे से अभी हम करके दिखाते हैं, है ना। इस तरीके से मार लेना है डैशबोर्ड और साफ कपड़ा से फिर जो है इसको पोछ लेना है। देखिएगा आप कितना भी न्यू हो जाएगा ये डैशबोर्ड हमारा, देख सकते हैं। थोड़ा सा धमक भी आ रहा है इसका, इस तरीके से आना बिल्कुल न्यू हो जाएगा। आप जैसे देख पाएंगे अभी देख सकते हैं कि पूरा न्यू लुक वाला जो है पॉलिश मरा गया। इसी तरीके से पूरे डैशबोर्ड में आपको जो है स्प्रे कर लेना है। अभी जो आप डैशबोर्ड अगर देखेंगे तो इस तरीके से जो है न्यू हो गया है, है ना। और इसको अच्छे से हम पूरा क्लीन कर लेंगे, जैसे कि इधर डस्ट वगैरह है तो इधर भी थोड़ा सा लगा हुआ केमिकल इसमें, तो इधर भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत गया है। इस तरह से पूरे आप गाड़ी को न्यू बना सकते हैं पॉलिश की मदद से, और ये बहुत दिन तक टिकेगा, कम से कम 10 से 15 दिन तक ऐसा ही आपको दिखेगा। फिर आप पॉलिश करेंगे, ये गंदा होने के कारण हो जाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाय।